नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूं। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार लोग हमारे साथ जुड़े हैं, डेरा सच्चा सौदा के बारे में उनका क्या मानना है, पर्सनल एक्सपीरियंस है गुरुजी के बारे में क्या है, और गुरुजी के यहाँ पर जो लड़कियों की सेफ्टी है वो कितनी सेफ्टी है जानते हैं यहाँ की महिलाओं से। नमस्कार मैम, क्या नाम है? रेशमा मैम। डेरे से जुड़े हो? कब से जुड़े हो मैम? हमने हो गए 17-18 साल हो गए। मैम इतना लंबा समय आपको डेरे से जुड़े हुए हो गया। हाँ। कैसा माहौल देखा है गुरुजी के यहाँ पे आपने? माहौल बहुत अच्छा है। देखे गुरुजी पे आरोप लगाए गए हैं, क्या कहना चाहोगे? गुरुजी क्या कहे, जो अन्ना का हुक्म होगा वही बनेगा। मैम गुरुजी पे आरोप लगाए गए हैं, सच्चे हैं या झूठे हैं, क्या लगता है आपको? सच्चे या झूठे नहीं, गुरुजी पे जो आरोप लगाए गए हैं झूठे लगाए गए। मैम समाज में आज गुरुजी नहीं है तो क्या गंदगियां बढ़ती जा रही हैं? गंदगियां बढ़े जाते हैं। गुरुजी पे विश्वास करते हो? हाँ। क्या चाहते हो, गुरुजी आ जाएं? हाँ। सत्संग होने चाहिए गुरुजी के? हाँ सत्संग हो, कोई जी नहीं लगता है गुरुजी के बिना। मैम महिलाएं सुरक्षित हैं गुरुजी के यहाँ पे डेरे के अंदर? आप सुरक्षित हो, लड़कियाँ सुरक्षित हैं? सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार के भी पिताजी नु छोड़ना है। मैम समाज में गुरुजी नहीं है तो क्या क्या गंदगियां बढ़ती जा रही है? बहुत बढ़ती जा रही है। गुरुजी ने समाज के लिए क्या किया है? हाँ। क्या किया है समाज के लिए? समाज के लिए गुरुजी आओ ना, सफाई होए ते सत्संग लगाओ ना। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जैसे कि आपने देखा बुजुर्ग महिला ज़्यादा, इनको जो है काफ़ी बुजुर्ग हैं, बोलने की नॉलेज नहीं है, मगर इनको भी पता है कि यहाँ का माहौल जो है वो सुरक्षित है, और इसलिए ये डेरा सच्चा सौदा के अंदर आज भी आ रही हैं। और साथ ही सफाई अभियान का इन्होंने बताया कि गुरु जी आएँ तो सफाई अभियान फिर से स्टार्ट हो, जिस तरीके से गुरु जी ने सफाई अभियान पहले चला रखे थे। आपकी जो भी राय है, कितनी ज़रूरत है हमारे समाज को गुरु जी की, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।